नमस्कार, मैं आशा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं खीर बनाने जा रही हूँ, जिसका मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी आपको, जिससे कि आप 5 से 10 मिनट में बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बना सकते हैं। कुकिंग शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। खीर बनाने के लिए पके हुए चावल, बादाम के टुकड़े किए हुए हैं, मखाने, किशमिश, घिसा हुआ नारियल, चीनी, 4 से 5 इलायची जिसको मैंने कूट के रखा है, घी। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। अब इसमें हम डालेंगे मखाने। बादाम के टुकड़े, नारियल, ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे पीसे हुए चावल। अभी जो चावल दिखाए थे हमने, उसको मिक्सर में डाल के 2 से 3 बार घुमा लेना है, दरदरा कर लेना है। अभी इसमें हम दूध ऐड करेंगे। दूध गर्म होना चाहिए, ठंडा दूध रहेगा तो दूध फट सकता है। आपको जितना चाहिए, खीर को पतला करना है तो ज़्यादा दूध डालिए, गाढ़ा रखना है तो कम दूध डालिए। यहाँ पर मैंने 2 गिलास दूध लिए हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। इसको बनाने के लिए, अगर आपके घर में चावल, कई बार चावल बच जाता है तो बचे हुए चावल को इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। 5 मिनट में खीर बन जाएगी, क्योंकि दूध भी गर्म था और राइस भी पहले से बना हुआ था, गर्म था। तो ये वाला तरीका आप जरूर ट्राई करना। खीर हमारी बनके तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी पहले ही इसलिए नहीं डालते कि अच्छे से पकता नहीं है, खीर अच्छे से घुलता नहीं है। चीनी और इलायची साथ में हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से किशमिश। हम किशमिश डालेंगे, किशमिश लास्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि किशमिश खट्टी होती है तो खीर फटने का डर रहता है। अभी खीर हमारी बनके तैयार है।